हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मेरे हस्बैंड का आफ्टरनून में फ़ोन आया कि छोले जल्दी से भिगो दो, आज छोले खाने का मन है। तो मैंने फटाफट छोले भिगोए और आज मैं छोले बनाने जा रही हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं छोले। फ्रेंड्स, मैंने ये दो कटोरी छोले भिगोए हैं, जिसमें मैंने गर्म पानी किया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। और इसे मैंने 1 बजे भिगोया था, तो अराउंड अभी 7 बज गए हैं, 6 घंटे हो गए हैं छोले भिगे हुए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे छोले बनाना, देखते हैं कैसे बनते हैं छोले। अब हम कुकर लेंगे और इसमें छोले जो हमने पानी के साथ भिगोए थे उसको पानी के साथ ही इसको कुकर में डालेंगे। आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा पानी कम है इसलिए हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। गाइस, अब हम इसमें छोलों को कलर देने के लिए टी बैग डालेंगे। हमारे पास इंडिया वाली टी नहीं है, तो वरना हम पॉटली बना के डालते इसमें, लेकिन हमारे पास ये है टी बैग, तो हम ये टी बैग डालेंगे और इसमें 2 टी बैग डालेंगे ताकि इसमें कलर अच्छा है। और हम इसमें डालेंगे मोटी इलायची, साथ में हम डालेंगे दालचीनी और 1 तेज पत्ता, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो हम इसमें डाल रहे हैं दाल, मोटी इलायची डाल दी है और अब हमने इसमें डाला है टी बैग 2 और दालचीनी डाल दी है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें 1 तेज पत्ता डाल रहे हैं और साथ में हम 1 आलू भी डालेंगे। यह आपके ऊपर है कि आपको डालना है कि नहीं, यह हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं। आलू हम क्यों डाल रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम कुकर को बंद करके गैस ऑन करेंगे। हम 5 विसल तक वेट करेंगे, इसमें 5 सीटी आनी चाहिए तभी हम कुकर बंद करेंगे। ये मैंने कुछ मसाले निकाले हैं, इसमें ये है अजवाइन, थोड़े से लौंग, या मेरे पास साबुत धनिया नहीं था तो इसलिए मैंने पाउडर लिया है, सूखा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। ये है कुछ जीरा और ये है काला नमक और ये है छोले मसाला और यहाँ पे ये है काली मिर्च। अब इसे हम कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो गई है मेरी। अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल के ड्राई रोस्ट करेंगे। ये आप देखिए, ये स्टेप ऑप्शनल है बट इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अगर आप ऐसा करते हो तो। इसे धीरे धीरे आप ड्राई रोस्ट करते रहिए, ध्यान रहे ये जले ना, इसलिए इसको साथ साथ हिलाते रहिए चम्मच से। आप देख सकते हैं कि इसका कलर ब्राउन होता जा रहा है, इसलिए हमने गैस ऑफ कर दिया है। इस मसाले को आप सिर्फ 1 या 2 मिनट तक ही ड्राई रोस्ट कीजिए। ये मेरे मेन इंग्रेडिएंट्स रेडी है, जिसे मैंने अनियन को चॉप्ड कर लिया है। ये मेरा ड्राई रोस्ट रेडी है, ये टमाटो पेस्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट एंड 2 ग्रीन चिली और ये रेड पाउडर मसाला, हल्दी एंड नमक और तेल अपने हिसाब से हम डालेंगे। बाकी जो आगे हमें और चाहिए होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी क्या प्रोसीजर है। मैंने कढ़ाई के लिए गैस ऑन कर लिया है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इसमें आप 2 चम्मच ऑयल डालें, बड़े वाले, ये मैं आपको अंदाजे से डाल के दिखा रही हूँ, बट आप सब 2 चम्मच ऑयल डालो।
ऑयल मेरा गरम हो रहा है तो अब इसमें मैं जीरा डालूंगी। जीरा मैं 1 चम्मच डालूंगी। इसमें मैंने छोटा सा हींग का छोटा सा दाना डाला है, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा दाना। अब इसमें मैं कटे हुए प्याज डालूंगी, बट आप आराम आराम से डालिएगा। और इसे चम्मच से हिलाएंगे। ये जो आप आवाज सुन रहे हैं, ये मेरा छोटा सा बेबी है जो अभी मार्च में ही बॉर्न हुआ है। 3 मंथ का है ये मेरा बेबी छोटा सा। मैं उसके साथ किचन में लेके उसको वीडियो बना रही हूँ, वो अभी प्रैम में है। ये देखिए प्याज अब भून गए हैं, मेरे प्याज ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा उसको भी भूनेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। ये देखो ब्राउन ज़्यादा हो गए, तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जले ना। अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे जो मैंने रोस्ट किया था। ये देखिए मसाला डालते ही एक अच्छा सा कलर और एक फ्लेवर आता है और इसकी सौंधी सौंधी खुशबू मुझे महसूस हो रही है। अब हम इसमें टमाटर पेस्ट डालेंगे। इसे हिलाते रहेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। थैंक्स टू माय हस्बैंड जो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इसको हम तब तक पकाएंगे, सिम पे कर देंगे हम गैस को, और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें तेल ऊपर ना आ जाए। और साथ में मैं इसमें ग्रीन चिल्ली भी डाल दूंगी। अब हम इसमें ये हल्दी मिर्च और नमक डालेंगे, बट नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि ध्यान रहे कि हमने नमक पहले भी डाला था जब हमने छोले बॉईल के लिए रखे थे तब भी डाला था, और उससे पहले कि जब भीगने के लिए रखे थे तब भी डाला था। तो इसलिए अब नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डालिए, और मिर्च हो सके तो कम डालिए क्योंकि हमने पहले से ही बहुत सारे मसाले इसमें ऐड किए हुए हैं। ये आप देखिए हम मिर्ची इसमें कम डाल रहे हैं, आधा डालेंगे, आधा चम्मच छोटा। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे, आधा ही डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, इसमें भी हम हल्दी थोड़ी सी डालेंगे। ये देखिए आप, और इसे हिलाएंगे। अब आप इस देखिए इसे, इसमें ऑयल ऊपर आने लगा है, तो जिससे ये पता चलता है कि आपका मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए साइड से आप कैसे मसाले के साइडों में ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें ट्विस्ट के लिए थोड़ी सी पुदीना की चटनी डालेंगे। ये एक ट्विस्ट है, ये आपका मर्जी है कि आप इसमें डालो या ना डालो,
बट मेरे हस्बैंड को पुदीना फ्लेवर के छोले बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें पुदीना चटनी डालूंगी थोड़ी सी, जो मैंने अभी अभी बनाई है। ये देखिए, अब मैं इसे हिलाऊंगी। ये जो बच गया उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो उसमें डाल दिया मैंने। देखिए हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें तेल बहुत अच्छे से ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और छोले मसाला ऐड करूंगी, ये देखिए इतना सा, ये मतलब आधा चम्मच आप लेके चलिए, आपको जितना डालना आप उतना डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले भी छोला मसाला डाल चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें और आधा चम्मच डाला है। और मैं इसे और हिला दूंगी, आप देख सकते हैं साइड से कितना अच्छा कलर आ गया है और ऑयल भी कढ़ाई में चिपक रहा है, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, मुझे बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। अब हम कुकर खोलेंगे और देखेंगे हमारे छोले कितने रेडी हुए हैं। देखो कलर कितना अच्छा आ रहा है और उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है, सारे मसालों जो हमने डाले थे वो सारों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें से टी बैग अलग करेंगे, उसको निकाल देंगे, चेक करेंगे कि हमारे छोले पक गए हैं कि नहीं। ये देखिए, ये हमारे प्रेस करने पे छोले बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें से आलू निकाल लेंगे, थोड़े से छोले भी निकाल लेंगे। अब हम आलू और छोले को मैश कर लेंगे। फिर इसको ग्रेवी में डालेंगे हम। ये देखिए, हम इसमें आलू और छोले जो थोड़े से निकाले थे वो इसमें हम डाल रहे हैं, जो मैश किए थे हमने। ये मेरा बेबी रो नहीं रहा, ये खेल रहा है, तो आप गाइस परेशान मत होना। ये हम इसको हिलाते रहेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम और हिलाएंगे ताकि इसमें थोड़ा सा ऑयल इसमें भी छूट जाए, फिर हम इसमें छोले ऐड करेंगे। अब आप देखिए साइड में ऑयल आना स्टार्ट हो गया, तो अब हम इसमें छोले डाल देंगे, जो हमने कुकर के साथ पानी में डाला था वही पानी हम इसमें डाल देंगे साथ में। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। हमारे छोले अब रेडी होने जा रहे हैं, तो हम इसमें गार्निश के लिए कटी हुई हरी मिर्च और गार्निश के लिए आप अदरक भी डाल सकते हैं छोटे छोटा बारीक करके। अब हम इस पे ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे छोले रेडी हैं और ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बने हैं। इसका जो मैंने इसमें पुदीने की चटनी जो ऐड की थी ऑप्शनल में, उससे बहुत ही टैंगी फ्लेवर आया है। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ज़रूर शेयर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये मेरा पहला वीडियो है गाइस, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप ये सब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नए नए रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर सकूंगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।